नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, यूपी विधानसभा 2022 में चंद्रशेखर आजाद जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। चंद्रशेखर ने कहा कि वो हमें अपने सम्मान से खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, वो दलितों का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, दो सीट के लिए राजी नहीं हुए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन अब जब चंद्रशेखर जी ने गोरखपुर सदर सीट से पर्चा भर दिया है, उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यूअर ने पूछा, एंकर ने पूछा कि आप ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सभी अंबेडकरवादी लोग मेरे साथ आए, सभी अंबेडकरवादी सपा को वोट दे, आरएलडी को वोट दे, गठबंधन को जिताए, तो आपका क्या कहना है। तो चंद्रशेखर ने हमला बोलते हुए अखिलेश यादव पे कहा कि जब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सभी अंबेडकरवादी मेरे साथ आए, तो इसका मतलब है कि अखिलेश यादव अंबेडकरवादी नहीं है, क्योंकि वो अंबेडकरवादियों को साथ लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लोहिया और अंबेडकरवादी लोग साथ आकर हमारे गठबंधन को जिताएं, लेकिन अखिलेश यादव जी खुद अंबेडकरवादी नहीं है। देखिए अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। अंबेडकरवादियों को साथ आना चाहिए, क्या अब भी कहीं से कोई गुंजाइश बची है? स्टेटमेंट दुरुस्त कराता हूं। उन्होंने कहा लोहियावादी और अंबेडकरवादी मिलके लड़े, अंबेडकरवादी साथ आए, यानी कि वो अंबेडकरवादी नहीं है, ये तो सच है। हाँ बिल्कुल, देखो अपने आप क्या कह रहे हैं, भैया पे हमला बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, बड़े भाई हैं, सम्मान करता हूँ, बहन जी का भी सम्मान। लड़ाई तो विरोध तो नीतियों का है। उन्होंने क्या कहा कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी साथ आए, उन्होंने अपील किया कि अंबेडकरवादी साथ आए, यानी कि वो अंबेडकरवादी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं और हम भी आरएसएस की निकम्मी भ्रष्टाचारी झूठी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे, तो मैं मानता।